पर आपको बता दें, अम्बाला के सांसद रतनलाल कटारिया को लेकर बड़ी खबर है। रायपुर रानी में ये जनाब पहुंचे, लेकिन विरोध इनका बहुत ज्यादा हुआ। भाजपा के प्रत्याशी भी हैं और बागवाली गांव के लोगों ने विरोध इनका किया है। सांसद द्वारा घोषणा जो हुई थी वो पैसा ना दिया गया, फिर इसका विरोध किया गया। भाजपा प्रत्याशी रतनलाल कटारिया पहले भी सांसद रह चुके हैं। भाजपा के ऐसे नेता जो अपनी बयानबाजी के कारण हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। हरियाणा के ये दो मंत्री, एक तो अनिल विज और दूसरे रतनलाल कटारिया, बयानबाजी के चलते पूरी सियासत में कहीं ना कहीं चर्चाओं में रहते हैं। लेकिन फिलहाल विरोध इनका जमकर हुआ। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गांव में पहुंचे, लोगों से मुलाकात की, वोट बैंक की अपील की, हाथ जोड़ते जनाब नजर आ रहे हैं, लेकिन लोग जो थे विरोध करते नजर आ रहे थे। लेकिन फिलहाल पहले तो हाथ जोड़ के वोट मांगते नजर आए, लेकिन जब लोगों ने विरोध किया तो हाथ जोड़ के मनाते भी नजर आए। ये राजनीति है, सियासत है। कोई फिलहाल दुकान पर जाकर राशन खरीद रहा है, कोई कपड़े सिल रहा है, तो कोई अलग अलग तरीकों से वोट बैंक हासिल करने की कोशिश कर रहा है। ये देश की सियासत का हाल है। लेकिन यहाँ पर देखिए, रतनलाल कटारिया जो सांसद भी हैं और भाजपा प्रत्याशी भी, पहले तो गए हाथ जोड़कर वोट की अपील करते नजर आए, लेकिन जैसे ही विरोध शुरू हुआ तो हाथ जोड़कर मनाने की कोशिश भी ये करते नजर आए। तो फिलहाल ये सूरत हाल है, ये मंजर है, ये हाल है। विकास नहीं करेंगे तो इस तरीके का विरोध तो देखना ही होगा। लेकिन फिलहाल विरोध देखिए आप, गांव के जो बुजुर्ग थे किस कदर गुस्सा इनका साथ में आसमान पर है। ताज खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता रायपुर रानी से। ताज, ये जानना चाहेंगे आपसे, मौके पर हुआ क्या था? ये प्रत्याशी पहुंचे वहां पर, सांसद रतनलाल कटारिया, पहले तो हाथ जोड़कर वोट की अपील करते नजर आए, लेकिन हाथ जोड़कर ये मनाते भी नजर आए। मलाल किस चीज का था जनता को? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाजपा के प्रत्याशी हैं रतनलाल कटारिया, उन्होंने कल रायपुर आने के क्षेत्र के दौरे किए थे। इस बार वो बागवाली गांव में पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों ने उनका विरोध जताया। विरोध जताने का कारण जो भाजपा के सांसद द्वारा 5 साल पहले वादे किए गए थे, लोगों को पैसे देने की बात की गई थी, वो ना देना बताया जा रहा है, जिस पर लोगों ने विरोध जताते हुए जो सांसद है उनको यहाँ तक कह डाला कि आपके घर पे हमने दस्तखत लगाए हैं, लेकिन आपने हमारी एक नहीं सुनी और जो हमसे वादा किया गया था वो पूरा नहीं किया। ये सीमावर्ती क्षेत्र है, शायद इसलिए यहाँ पर विकास से अछूता रहा, या फिर यहाँ पर अगर भाजपा प्रत्याशी की बात की जाए, सांसद जी की बात की जाए, लंबे समय के बाद पहुंचे, शायद इस बात से गुस्सा था। देखिए, आपको अम्बाला लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के सांसद हैं, उनका लगातार क्षेत्र में पोस्ट तक लगते रहे हैं, गुमशुदगी के जो अम्बाला से सांसद है वो गुमशुदा रहते हैं, ग्राउंड में रहते हैं, इस कारण से भी उनको सांसद के प्रति थोड़ा गुस्सा है। लेकिन ताज, मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसी कौन सी मूलभूत सुविधाएं हैं जिनसे वंचित ये गांव है, और किस बात के लिए इन्होंने ग्रांट का ऐलान किया था जो अभी तक पूरी नहीं हुई? ग्रांट गांव में विवाद हुआ है, जिस विवाद को लेकर लोगों ने रतनलाल कटारिया जी का विरोध किया था। रतनलाल कटारिया जी ने लोगों से बोला था कि आपको इसके विकास कार्य करवाने के लिए जल्द से जल्द पेमेंट दे दी जाएगी।
वीडियो में जो ग्रामीण साफ नजर आ रहे हैं कि हमने बजरी भी अपने डलवा लिया है, लेकिन अभी जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। ठीक है, धन्यवाद आपका ताज खान, हमारे संवाददाता रायपुरानी से तमाम जानकारी दे रहे थे। तो फिलहाल इस बात का गुस्सा था लोगों में।